Here is a question. The hydroxide ion concentration of wine is 8 into 10 to the power minus 11 molar. What is the pH of the wine? आपको ये calculate करनी है. आपको क्या दिया बेटा? Hydroxide ion की concentration दी. Hydroxide ion का मतलब क्या हो गया बेटा? OH minus कितने क्या हो गया? Concentration of OH minus कितनी दी आपको? 8 into 10 to the power minus 11. और आपको क्या calculate करना है? pH calculate करनी है. तो मैं आपको बता दूँ कि pH plus pOH का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? pKW, मतलब कि 14 के इक्वल होता है. क्लियर है? अब आपको क्या चाहिए? आपको pH ऑफ द वाइन कैलकुलेट करनी है. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? pOH को आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. pOH कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर pH pOH देखो, जैसे pH क्या होता है? माइनस ऑफ log H प्लस. उसी तरह से pOH भी क्या होगा? pOH इज इक्वल टू माइनस ऑफ log OH माइनस. सही है, यही फॉर्मूला होगा. नाउ सॉल्व कर लेते हैं. माइनस ऑफ लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितनी होगी? 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 11. तो देखिए, माइनस को बाहर रहने देते हैं और लॉग ए इंटू बी. लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए प्लस लॉग बी. क्लियर है? ये फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना आपको. तो लॉग ए इंटू बी का लिख लीजिए माइनस ऑफ लॉग 8 प्लस लॉग 10 टू दी पावर माइनस 11. अब देखिए, ये क्या है? ये लॉग ए टू दी पावर बी है. ध्यान से देखने से वापस नया फॉर्मूला. लॉग ए टू दी पावर बी क्या होता है? बी लॉग ए. क्या होता है? बी लॉग ए. तो लॉग आपके पास दिया है 10 टू दी पावर माइनस 11, तो इसका मतलब क्या हो गया? माइनस 11 इंटू लॉग 10. और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है. तो माइनस 11 इंटू 1 कितना हो गया? माइनस 11 हो गया. तो ये माइनस लॉग 8 माइनस 11. अब log 8 की वैल्यू क्या होगी? समझो इसको ध्यान से. log 8 को यहां से सॉल्व कर लेते हैं अपन. log 8 को आप लिख सकते हो log 2 टू दी पावर 3. तो ये क्या हो गया? 3 log 2. क्या हो गया? 3 log 2. देखो, log a टू दी पावर b, तो b log a. नाउ 3 into log 2 की वैल्यू होती है 0.3010. क्या होती है? 0.3010. तो ये कितना हो गया? 0.9 के इक्वल हो गया. ऑलमोस्ट कितने इक्वल हो गया? 0.9 के इक्वल हो गया. log 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऑलमोस्ट 0.9 हो जाएगी. तो देखिए, यहां पर माइनस log, सॉरी, 0.9 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा? आप देखिए, माइनस को अंदर भेज दीजिए, ये हो जाएगा 11 माइनस 0.9. इट मींस ये आपके पास जो pOH है, ये कितना आया? 10.1 आया. कितना आया? 10.1 आया. लेकिन हमें तो क्या चाहिए? हमें तो pH ऑफ द वाइन कैलकुलेट करनी है. तो pH किसके इक्वल हो जाएगी? 14 माइनस 10.1. तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगी आपके पास 3.9. हियर इज योर आंसर, एंड चेक लेना. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन.